हेलो। चलो जी, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। और ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। सो इसमें इंडिया के बारे में ही है। क्लास 9 जो है वो पूरी इंडिया के बारे में ही बात करती है। फिजिकल फीचर से स्टार्ट हुए थे हम, हिमालय पेनिनसुलर वगैरह हमने वो सब देखा, ड्रेनेज सिस्टम देखा, फिर कल हमने कुछ और फीचर्स देखे थे इंडिया के ही, मॉनसून वगैरह, क्लाइमेट वेदर सिस्टम देखा हमने कल। और अभी जो है हम आ गए हैं किसके ऊपर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंडिया की। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कुछ इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंडिया जो है, एक तो आपका जो 12 बायोडायवर्सिटी कंट्रीज है ना वर्ल्ड में, उनमें से एक पार्ट है इंडिया। ठीक है, बायोडायवर्सिटी कंट्रीज कौन सी होती हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लोरा एंड फोना होती है। ठीक है, यानी कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी स्पीसीज होती है ना, वो कंट्री क्या आती है, मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज के अंदर आती है। तो इंडिया भी उसका पार्ट है, ऐसी 12 कंट्रीज में से। इंडिया के अंदर अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लगभग लगभग जो 10th प्लेस पे है ये। ठीक है, 47,000 स्पीसीज एक ही कंट्री में, अगर इस उससे देखते हैं तो इंडिया 10th नंबर पर है वर्ल्ड में, और एशिया के अंदर है 4th पर। ठीक है, यानी कि एशिया के अंदर ही आपसे 3 कंट्रीज ऐसी और हैं जिनके अंदर हमसे ज़्यादा क्या है, आपकी प्लांट की स्पीसीज मिलती हैं। और वर्ल्ड में जो है 9 कंट्रीज हैं ऐसी जहाँ पर ये मिलती हैं। इंडिया 10th पर है विद 47,000 स्पीसीज प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, और हमारे यहाँ पे 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स भी आपके पाए जाते हैं। फ्लोरिंग प्लांट्स यानी कि जो फ्लोवर्स आते हैं ना, फ्लोर वाली वैरायटी, तो ऐसे प्लांट्स 15,000 के आसपास, जो आपका विच अकाउंट्स फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वर्ल्ड में अगर टोटल 100 मान लो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, तो उसके आपके 6 जो हैं इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज है। तो 15,000 इज 6% ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सो द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अपने यहाँ पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं इसके अलावा, जैसे कि आपके पास फर्न्स हैं, एल्गी होती है, फंगाई होती है, ये भी हमारे यहाँ पर अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज है एनिमल्स की। ठीक है, 90,000 बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, 90,000 नंबर आपकी स्पीसीज हैं एनिमल्स की, एज वेल एज ए रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। और इसके अलावा आपके यहाँ पे फिशेज की भी, यानी कि मरीन लाइफ में भी बहुत सारी स्पीसीज आपके यहाँ पर पाई जाती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हमारा इंडिया इस तरीके से एनिमल्स एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फ्लोरा एंड फोना दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ओके। नेचुरल इसको बोलते हैं, देखो नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट वेजिटेशन की बात नहीं हो रही है, वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर डिफरेंस है। वेजिटेशन जो है वो आर्टिफिशियली आपकी प्लांट की जाती है। ठीक है, जैसे कि अफॉरेस्टेशन वगैरह किया आपने, आपने प्लांट्स लगाए, आपने कोई बोटनिकल गार्डन बनाया, यानी कि आपने आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया, आपने उसको क्रिएट किया ह्यूमंस ने। और नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जिसके अंदर ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता, वो अपने आप से ग्रो करते हैं। ठीक है, सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप ग्रो हुई है विदाउट ह्यूमन एड। ह्यूमंस ने उसके अंदर अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, ना ही उनको प्लांट किया, ना ही उनको वाटर दिया, ना ही उनको आपके मैन्योर्स वगैरह दिए, मैन्योर्स प्रोवाइड किए, वो सब अपने आप ही ग्रो करते हैं, अपने आप ही सब चीजें लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह उस एनवायरमेंट से। एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाई ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, एंड दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने जो है उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, ह्यूमंस से वो अनटच्ड है, ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो आपकी वर्जिन वेजिटेशन है। अगर इसके अंदर ह्यूमंस ने आके इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी वर्जिन वेजिटेशन नहीं रहेगी। या ह्यूमंस अगर प्लांटेशन करेंगे तो वो भी नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं होगा, सिर्फ वेजिटेशन में काउंट होगा। सो दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन।
तो जैसे आपके जो क्रॉप्स वगैरह हम लगाते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं ना फ्रूट्स वगैरह की, हॉर्टिकल्चर वगैरह, ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, तो वो आपके वेजिटेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन है, डू यू नो दे रखा है उसको देख लेते हैं। वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक, ऐसी वर्जिन वेजिटेशन जो कि आपकी प्योरली इंडिया के अंदर ही मिलती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं, और इंडिजीनस स्पीसीज। सो एंडेमिक स्पीसीज और इंडिजीनस स्पीसीज, इनमें से कोई भी टर्म आ सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी टर्म आई तो उसका मतलब है कि वो आपकी वेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलती है, इंडिया के बाहर किसी कंट्री में नहीं मिलती है। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, और ऐसी वेजिटेशन जो कि इंडिया की नहीं है और बाहर से इंडिया के अंदर आई है, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाता है एक्जोटिक प्लांट्स। ठीक है, एक्जोटिक प्लांट्स आपको ध्यान रखना है। सो आपके यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई हैं, एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज एंड एक्जोटिक प्लांट्स और एक्जोटिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, आपका प्लांट्स किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो प्लांट्स की आपकी स्पीसीज है ना, उनको बोलते हैं फ्लोरा, और फोना होता है आपका एनिमल्स की स्पीसीज किसी भी रीजन के अंदर। तो फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, ये आपको याद रखना है इन टर्म्स को। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो इंडिया के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स हैं, उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट है, और फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट वेजिटेशन पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखा रखे हैं, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था कि इनकी हाइट जो है 60 से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे है ना वो ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, आपके नीचे की तरफ प्लांट्स वगैरह ज्यादा वेजिटेशन ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो इंसोलेशन है ना वो आ ही नहीं पाती है नीचे, ऊपर की कैनोपी इतनी ज्यादा डेंस होती है ना इन प्लांट्स की कि वो आपके सन रेज को नीचे आने ही नहीं देती है। और अगर सन रेज आपकी नीचे नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पर नीचे की साइड आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, वो अगर स्टार्ट नहीं होगा तो फिर आपकी प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के लिए आपका इंसोलेशन, सन की रेडिएशन बहुत जरूरी होती है, सनलाइट। ठीक है, इसलिए ये नीचे आपको यहाँ से खाली मिलती है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे ही प्लांट मिलेंगे जो कि ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर आपके क्लाइंबर्स वगैरह, ठीक है, जो क्लाइंब करती हुई ट्री के साथ 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 ऊपर चली जाती हैं, और फिर इस कैनोपी के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड हो जाती हैं, आपको ऐसे मिलेंगी। तो इसमें दिखा रखे कि 1.5 मीटर तक के इतने मिलते हैं, ये श्रब लेयर है, फिर 5 मीटर, उसके बाद यंग ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, यंग ट्रीज यानी कि जो अभी ग्रो कर ही रहे हैं, फिर 20 मीटर, फिर कैनोपी लेयर, फिर 40 मीटर, फिर एमरजेंट लेयर, और फिर मैक्सिमम हाइट 60 मीटर। तो ये आपके क्या है, ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि वहां पर हमेशा आपकी एवरग्रीन बने रहते हैं, कभी भी वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है। और सबसे पहले यहाँ पर यही दे रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये आपके कहाँ पर होते हैं, हैवी रेनफॉल एरियाज के अंदर होते हैं। और हैवी रेनफॉल एरियाज हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट है, हमारे आइलैंड ग्रुप हैं लक्षद्वीप के और अंडमान एंड निकोबार के, आसाम के अपर पार्ट्स में एंड तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर। ठीक है, ये आपके वो रीजन है जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो आपके यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इतनी से 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल मिनिमम होनी चाहिए तभी आपके ये फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो है ना ड्राई सीजन आपका बहुत ही शॉर्ट होता है, ट्रीज जो है उनकी हाइट अप टू 60 किलोमीटर चली जाती है और इससे भी ज़्यादा। रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, आपका ये जो रीजन होता है ना, तो आप वेस्टर्न घाट वगैरह को देख लो कि पूरे ईयर ही आपका वार्म बना रहता है। ठीक है, वार्म होता है, ह्यूमिडिटी होती है, पूरे साल एक ही आपका ये बना रहता है। इट हैज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, और ऐसे फॉरेस्ट में ना आपको हर तरह की वेजिटेशन मिलेगी, यानी कि पूरी लग्जरी मिलेगी आपको वेजिटेशन स्पीसीज की, जैसे कि ट्रीज भी मिलेंगे आपको, श्रब्स भी मिलेंगे, क्रीपर्स भी मिलेंगे, गिविंग इट ए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, जो कि अभी आपने इस इमेज के अंदर देखा ना, तो आपके मल्टी लेयर स्ट्रक्चर हो गया, नीचे आपके श्रब्स वगैरह हैं, आपकी एक और लेयर है, फिर आपके ये क्रीपर्स वगैरह, क्लाइंबर्स वगैरह ये हैं, और सबसे आपके फिर ये 60 मीटर से ऊपर वाले ट्रीज है ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और क्योंकि इन ट्रीज का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है अपनी शेड को लीव्स करना, अपनी लीव्स को शेड करने का, ये कभी भी अपनी पत्तियां गिराते नहीं है। ठीक है, गिराते हैं तो एक साथ एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं गिराते, तो ये हमेशा अपने को क्या है, ग्रीन ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एवर ग्रीन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी आपको विदाउट लीव्स दिखते ही नहीं है, तो ये पूरे साल हमेशा ग्रीन बने रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इनके अंदर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, तो उसमें इवोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिंकोना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आपके इवोनी ट्री है, रोजवुड है, सिंकोना है, ये कौन से एनवायरमेंट में आपके पाए जाते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये अपने को नाम याद रखने हैं, इवोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना, ठीक है। कॉमन एनिमल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके कॉमन एनिमल्स के अंदर? गुड इवनिंग अंकिता। कॉमन एनिमल्स में आपके यहाँ पर मिलते हैं एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, ठीक है। इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसोर्स, वन हॉर्न यानी कि जिसके एक सिंग होता है, वो वाला राइनोसोर्स हमारे कहाँ मिलता है? इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है हमारा आसाम में, उसके अंदर आपका ये बहुत फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मिलते हैं आपके? बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज मिलती हैं, बर्ड्स की स्पीसीज मिलती हैं, बैट मिलते हैं, स्लोथ मिलते हैं, स्कॉर्पियंस मिलते हैं, स्नेक मिलते हैं, ये सब आपको इन जंगलों के अंदर मिलेंगे, इन वाले फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। फिर आ जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करते हैं, ठीक है। कौन से? आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब कि एक सीजन के अंदर है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही, बट एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ये वाले ट्रीज ना अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक टाइम पे थोड़ा सा एक ऐसा लगेगा कि ग्रीनरी सी नहीं दिखेगी, सब कुछ येलो येलो आपको लीव्स दिखाई देंगी सड़कों के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद इनमें फिर नई लीव्स आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर आपका एक ड्राई सीजन आता है, जो कि पूरा का पूरा डिफाइन होता है, डेफिनेट होता है कि भाई ड्राई सीजन थोड़ा सा लॉन्ग चलता है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। मॉनसून के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है, उन वाले रीजन्स के अंदर ये आपके पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देख भी सकते हैं अपने, एक्चुअली इंडिया में आपको मैक्सिमम यही देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 60-70% जो है ये वाले फॉरेस्ट ही है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सिर्फ इन रीजन्स को छोड़ के जो कि हमने देखे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले जो हमने रीजन देखे थे ना, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और आसाम वगैरह, उनको छोड़कर बाकी हर जगह यही मिलते हैं मैक्सिमम आपके। सो दीज टाइप्स ऑफ ट्रीज जो ये आपके हैं, ये फॉरेस्ट एक शेड कर देते हैं अपने लीव्स को अबाउट 6-8 weeks के लिए इन ड्राई समर। तो इनका सीजन क्या होता है? फेब के एंड में ये आपका जो है लीव्स को शेड करना स्टार्ट करते हैं, और लगभग अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक ये अपनी सारी लीव्स को शेड कर देते हैं, फिर इनके ऊपर नई लीव्स आती है, यानी कि नए पत्ते आते हैं। और इनको भी फिर आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है ना, इनको भी फिर हम डिवाइड कर सकते हैं दो उसके अंदर, कैसे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो उसके अंदर आपका फर्स्ट आएगा मोइस्ट डेसिडियस, ठीक है, मोइस्ट डेसिडियस, और सेकेंड आपका क्या आएगा? ड्राई डेसिडियस, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस तो है, लेकिन ट्रॉपिकल के अंदर भी एक मोइस्ट है और एक ड्राई है। रेनफॉल का क्या देखा था? 200 से लेकर 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। तो 200 में से 100 से 200 जब कर देंगे तो वो तो मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक है, और 70 से 100 कर देंगे वो आपका क्या हो जाएगा? ड्राई वाले हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उसमें भी जिसमें कम रेनफॉल होती है जिस रीजन में, उसमें मिलेंगे आपके ड्राई डेसिडियस। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये मैंने बता दिया, द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100, यानी कि मोइस्ट वाले वहां मिलेंगे जहां पर आपकी रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, जबकि आपके एवरग्रीन में कितनी थी? 200 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल, ठीक है। और ये वाले आपके फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सा? आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर मिलते हैं, अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालयाज के फुटहिल्स में मिलते हैं, झारखंड में, वेस्ट ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न वाला स्लोप था उसके ऊपर तो आपके कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, और ईस्टर्न स्लोप के ऊपर आपके कौन से हैं? ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस। क्यों? क्योंकि कल ही हमने देखा था ये वाली आपके लीवार्ड साइड होती है, यानी कि इसके अंदर आपकी रेनफॉल कम होती है कंपैरिजन टू इस वाली साइड के वेस्टर्न घाट के, ठीक है। तो इसलिए आपके इधर ट्रॉपिकल मोइस्ट वाले मिलते हैं, मोइस्ट डेसिडियस। और टीक जो है वो आपके मोइस्ट डेसिडियस की सबसे प्रोमिनेंट आपकी स्पीसीज है वेजिटेशन की जो पाई जाती है इसके अंदर। इसके अलावा आपके बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये आपकी अदर इंपॉर्टेंट
स्पीसीज हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके ड्राई डेसीडियस। ड्राई डेसीडियस और फिर आपके जो 100 से 70 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल वाला रीजन बच गया ना, उसके अंदर आपके ड्राई डेसीडियस। क्यों? क्योंकि रेनफॉल थोड़ी सी और कम है तो ड्राई लग गया साथ में। फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर मिलते हैं, प्लेन्स ऑफ बिहार मिलते हैं और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन वाले रीजन में मिलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं कि आपके थोड़े ओपन स्ट्रेचेज होते हैं, रेगुलर फॉरेस्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े फॉरेस्ट हुए, फिर ओपन स्ट्रेच आएगा, फिर थोड़े थोड़े फॉरेस्ट आए, फिर ओपन स्ट्रेच आएगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन स्ट्रेच अब आते हैं। टीक मिलता है, साल मिलता है, पीपल मिलता है, नीम मिलता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन स्पीसीज है इन फॉरेस्ट की। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। सो ज्यादातर को तो साफ ही कर दिया गया कल्टीवेशन के लिए, और जो कुछ पार्ट बचे हैं उसको ग्रेजिंग के पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ग्रेजिंग हर्डिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं इन वाले आपके डेसीडियस फॉरेस्ट के अंदर? तो इसमें मिलते हैं आपके लॉयन मिलता है, टाइगर मिलता है, पिग, डियर, एलिफेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट आपके एनिमल स्पीसीज हैं। इसके अलावा ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं, लिजार्ड्स मिलती हैं, स्नेक्स मिलते हैं बहुत तरह के, और टोर्टोइज भी यहाँ पर पाए जाते हैं आपके। इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है आपके थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि आपके जो डेजर्ट वाले उसके अंदर आते हैं, तो थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे होते हैं स्क्रब्स वगैरह, ये देखो छोटे छोटे ना ऐसे कांटेदार जिनके अंदर कांटे होते हैं, कैक्टस वगैरह इस तरह की, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। अगर उसकी हाइट है भी थोड़ी बहुत तो फिर उनकी लीव्स ना छोटी छोटी होंगी, स्मॉल स्मॉल लीव्स होंगी, ताकि उनसे इवेपो ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन कम हो इस वजह से इनकी लीव्स क्या होती हैं, छोटी 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 होती हैं, ताकि वाटर की वेस्टेज ना हो। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर पानी की कमी होती है, तो पानी को प्रिजर्व करने का इन प्लांट्स का अपना तरीका है, ठीक है, नेचर का अपना तरीका है। तो वो लीव्स छोटी छोटी होंगी, पतली पतली होंगी, ठीक है, जबकि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर क्या होंगी, बड़ी बड़ी लीव्स होंगी और मोटी मोटी होंगी, थिक होंगी, साथ में लार्ज भी होंगी, थिक भी होंगी। लेकिन आपके थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब के अंदर क्या होंगी, स्मॉल भी होंगी और थिन भी होंगी, इतनी इतनी सी या फिर पतली पतली होंगी इस तरह की, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है, जहां पर 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है वहां पर आपकी ये वाली जो है वेजिटेशन पाई जाती है। और नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज होते हैं या फिर आपके श्रब्स वगैरह होती हैं, जो मैंने अभी उसमें पिक्चर में दिखाया आपको। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, या आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर मिलती है कंट्री के, जिसमें हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, आपका राजस्थान आ जाता है, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। यहाँ की कौन कौन सी आपकी जो वेजिटेशन स्पीसीज है उसके अंदर अकासिया है, पाम है, यूफोरबियास है, कैक्टी है, ये आपकी मेन प्लांट स्पीसीज है इस रीजन की। ट्रीज क्या होते हैं आपके, स्कैटर्ड होते हैं और उनके रूट्स लंबी होती हैं। देखो जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वो आपके ट्रीज की तरफ बहुत बड़े होंगे, हमने देखा 60 मीटर या उससे भी ज्यादा हाइट होती है, बट उनकी जो रूट्स होती है ना वो ज्यादा डीप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको इजीली पानी यहीं पर ही अवेलेबल हो जाता है। बट यह जो आपके हैं थॉर्नी स्क्रब्स वाले, सेमी एरिड रीजन वाले, एरिड सेमी एरिड रीजन वाले, इनके प्लांट्स की हाइट ऊपर जमीन से ऊपर कम होगी, ठीक है, बट जमीन के नीचे जो है ना इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इनकी रूट्स काफी डीप होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी की सर्च में ना, पानी की खोज में वो जो है डीप चली जाती हैं, ठीक है, जमीन के अंदर जहां तक उनको पानी नहीं मिलता वो जाती रहती हैं ऐसे, ठीक है, तो इसलिए इनकी रूट्स काफी डीप होती हैं, ये अपने को पता होना चाहिए ताकि इनको मॉइस्चर मिले। सो द स्टेम्स आर सकलेंट टू कंजर्व वाटर, और ये मैंने बता दिया इनकी स्टेम्स जो है पतली पतली होती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, ठीक है, छोटी छोटी होती हैं। दीज फॉरेस्ट्स गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कि आपके कांटे वाले छोटे छोटे कैक्टस वगैरह इस तरह की चीजें। एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, रैट, माइस, रेबिट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स, ये आपके यहाँ पर इनकी मिलती है। इसके बाद आपके माउंटेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। इससे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं, ये मैप क्या दिखा रहे हैं, हमारे टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है। सो जो एकदम डार्क ग्रीन दिखा रहा है ये वो वाला रीजन है जिसके अंदर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वाले, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट आया था उसके अंदर, ये देख लो इधर, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट का आया था, वेस्ट बंगाल के पार्ट, कुछ ओडिशा का पार्ट, असम का पार्ट, ठीक है, और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसके बाद फिर जो है आपका कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसीडियस ये वाला जो कलर है ना, ये देख लो सबसे ज्यादा यही कवर कर रहा है पूरे कंट्री के अंदर,
ठीक है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस के अंदर भी देखो यही है, फुटहिल्स में भी यही चल रहा है, पूरा पूरा हमारा सेंट्रल पेनिनसुला भी यही कवर कर रहा है, डेकन प्लेटू भी यही कवर कर रहा है। फिर आपका कौन सा आ रहा है उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन वाले कहाँ मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स के अंदर मिलेंगे, तो जहाँ पे हिमालयस है वहां पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे आपके डेल्टाज वगैरह है कोस्ट के साथ, तो ये आपका सुंदरबन डेल्टा, ये आपका गोदावरी वाले और ये आपका कृष्णा वाला, ठीक है। इधर जो डेल्टाज हैं यहाँ पर, ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इनके डेल्टाज के अंदर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। और फिर बच गए आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो कल भी हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल होती है इस वाले रीजन में कम होती है सेंट्रल पेनिनसुला का, कल ही हमने देखा था कि लीवार्ड साइड में आता है बिल्कुल ही आपकी रेनफॉल कम हो जाती है, यहाँ से सीधी पास हो जाती है आपकी मॉनसून विंड्स। और दूसरा रीजन क्या आपका गुजरात वाला और ये वाला, ठीक है, हरियाणा पंजाब, ठीक है, गुजरात वेस्टर्न ये यूपी, ठीक है, ये आपका एमपी वाला और ये सारा राजस्थान, ये सारा आपके थॉर्नी श्रब्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा है, इस मैप को बना भी सकते हो हाथों से और कर सकते हो। फिर माउंटेन फॉरेस्ट आ जाते हैं, तो माउंटेन फॉरेस्ट आपको पता है जो माउंटेन रीजन के अंदर मिलते हैं जहाँ पे आपकी हाइट अलग अलग होती है, तो इनका भी आपको सक्सेशन देखने को मिलता है कि आप फुटहिल से स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको कौन से मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस मिल रहे हैं। और फिर जैसे 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 हाइट इंक्रीज होती जाएगी आपके फॉरेस्ट का टाइप चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपके वेट सबसे पहले आपका क्या होता है, बॉटम के ऊपर आपके ट्रॉपिकल टाइप के मिलेंगे और सबसे लास्ट में आपके टुंड्रा टाइप के मिलेंगे जैसे जैसे ऊपर जाओगे। तो अब इन्होंने क्या बता रखा है कि वेट टेम्परेट टाइप, ठीक है, टेम्परेट टाइप के बट वेट, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters, 1000 से 2000 meters के बीच में आपके वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिलते हैं माउंटेन रीजन के अंदर, ठीक है। एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेट, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन यानी कि जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, अभी हमने देखा ब्रॉडलीफ जिनकी लीफ ब्रॉड है थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि ओक एंड चेस्टनट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं इस वाली हाइट के अंदर। फिर 1500 से 3000 meters, क्यों, क्योंकि 2000 के ऊपर ऐसे वो थोड़ी ना कोई कैपिक थोड़ी ना, वो तो ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन आपका 1500 के आसपास से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो 1500 से 3000 मीटर के बीच में आपके टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे क्या थे टेम्परेट टाइप थे और वेट थे, यहाँ पर आपको प्योर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये आप इमेज भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपके लोअर उसके ऊपर इस तरह की वेजिटेशन है, फिर ऐसी वेजिटेशन है ऊपर की हाइट पे, फिर ऐसी है और सबसे ऊपर इस तरह की वेजिटेशन, सो वेजिटेशन चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे और उसके अंदर क्या क्या होंगे, कोनीफेरस ट्रीज होंगे, कोनीफेरस यानी कि इस शेप वाले, ठीक है, कोनीफेरस ट्रीज होंगे, जैसे कि पाइन होगा, देवदार होगा, सिल्वर फर होगा, स्प्रस होगा और आपका सिदार होगा, ये इसकी प्रोमिनेंट आपकी स्पीसीज है वेजिटेशन की। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज, ये आपके हिमालय जो हैं जितने भी हमारी रेंजेज हैं ग्रेट हिमालयाज, लेसर मिडल हिमालयाज, शिवालिक्स, उनके सदर्न स्लोप्स के ऊपर मिलती हैं आपके, ठीक है। एंड प्लेसेज हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और साउथ इंडिया के अंदर भी अगर आपके कोई हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस है तो वहां पर भी मिलेंगे, और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जहाँ पे आपके ये एल्टीट्यूड ज्यादा है वहां पर मिलते हैं, यानी कि इतना एल्टीट्यूड एटलीस्ट 1500 से 3000 meters के बीच में। एट हाइयर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, और हाइयर एलिवेशन के ऊपर 3000 meters के आसपास ना आपको ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, ठीक है, और वो ग्रासलैंड्स जो है आपके जो नोमेडिक हर्डर्स होते हैं ना उनके बहुत काम आते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए, जो आपके ट्राइब्स वगैरह होते हैं गुजर बकरवाल और गद्दी, ठीक है, तो वो सब उन्हीं जो है उनके अंदर रहती हैं, कश्मीर वगैरह के अंदर भी जो आप देखते हो ना ग्रासलैंड्स वगैरह वही साइड के ऊपर ही होते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप और भी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चला जाते हो और मोर देन 3600 meters, यानी कि 3600 meters से ऊपर अगर आप हाइट पे चले गए तो फिर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन, फिर आपके जो टेम्परेट फॉरेस्ट थे और जो आपके ग्रासलैंड थे वो आपके खत्म हो जाएंगे, वहां पर आ जाएगी आपकी अल्पाइन वेजिटेशन, और उसके अंदर आपके क्या क्या होते हैं, सिल्वर फर है, जूनिपर्स है, पाइन है, बर्चीज हैं, ये आपके कॉमन ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली एक्सटेंडेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन, और फिर ये आपकी अल्पाइन जो फॉरेस्ट है ना ये भी धीरे 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 जो है ना ऐसे आपके दूर 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 होते जाएंगे, और फिर क्या होगा स्टंटेड यानी कि छोटे 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 होते चले जाएंगे, और फिर एक टाइम आएगा जब आपकी स्नो लाइन आएगी तब बिल्कुल अल्पाइन फॉरेस्ट भी गायब हो जाएंगे। स्नो लाइन क्या होती है, वो लाइन जिससे ऊपर आपका हमेशा ही माउंटेन के अंदर स्नो रहती है, हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, ठीक है, उस लाइन के ऊपर यानी कि उस हाइट के ऊपर, ठीक है, तो उस लाइन के पास पहुंचते पहुंचते आपके अल्पाइन फॉरेस्ट भी जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं।
अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड्स, और फिर वो अल्पाइन ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, यानी कि वेजिटेशन आपकी ट्रीज वगैरह बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और ये जो है आपके किस लिए यूज किए जाते हैं ग्रासलैंड्स, ये यूज किए जाते हैं आपके ग्रेजिंग के लिए, एक्सटेंसिवली ग्रेजिंग के लिए बाई नोमेडिक ट्राइब्स गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। एट हाई एल्टीट्यूड्स मोसेस एंड लाइकन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, और उससे भी ज्यादा हाइट पे जब इसके अंदर भी जब टॉप हाइट पर चले जाते हैं तो वहां पर आप क्या क्या मिलते हैं, मोसेस मिलते हैं, लाइकन्स मिलते हैं, और वो आपकी टुंड्रा वेजिटेशन बनाते हैं। कॉमन एनिमल आपके कौन कौन से फाउंड मिलते हैं इसके अंदर, आपका उसमें कश्मीर स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शिप है, जैक है, रैबिट है, तिब्बतन एंटीलोप है, याक है, स्नो लेपर्ड है, स्क्विरल्स है, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबक्स है, बियर है, रेयर रेड पांडा है, शिप है, और आपके गोट हैं जिनके थिक हेयर होते हैं, ठीक है, और उन्हीं से क्या फिर बनती है आपकी वूल बनती है जिससे कि गर्म कपड़े बनते हैं। फिर आ जाते हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर आपके टाइड्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके डेल्टाज होते हैं वहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, जहाँ जहाँ पर टाइड्स आएंगे वहाँ वहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे जहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं तो इनकी रूट्स कहाँ होती हैं, इनकी रूट्स पानी के अंदर होती हैं, ठीक है, जमीन के अंदर नहीं होती, इनकी रूट्स पानी के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर नहीं होती हैं, एक चीज़ याद रखना। दूसरा क्या है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये मडी मिलेगा, मड मिलता है, सिल्ट मिलता है, एकदम दलदली मिलता है, ठीक है, दलदल मड और सिल्ट मिलेगा इसके अंदर पूरे रीजन के अंदर, तो वहां के ऊपर आपके लिए वॉक करना, चल पाना उसके अंदर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कीचड़ सा रहता है हमेशा, ठीक है। और डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वैरायटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज अंडर वाटर, ठीक है, डेंस आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये आपके क्या करते हैं, टाइड्स का एक्चुअली जो टाइड्स आ रही है उनका फ्लो भी ब्रेक करते हैं, हाई टाइड आते हैं उनकी स्पीड को ब्रेक करते हैं, तो इसीलिए जो है आपकी सुनामी आती है या स्टॉर्म सर्ज आते हैं उन सबको ये क्या करते हैं, आपको बचाते हैं आपके लैंड एरिया को, ठीक है, ये उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी स्पीड को फ्लो को ब्रेक कर देते हैं और वो पानी फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, वरना तो वो जो टाइड्स आए वो बड़ी बड़ी वेव्स आए वो सब कुछ आपकी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन, इन आपके सारे डेल्टाज के अंदर ये आपके क्या मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, हमने देखा था सुंदरी ट्री मिलता है जिसके नाम पे ही आपका सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है, ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है वहां पे मिलने वाली एक ट्री की स्पीसीज के ऊपर जिसका नाम क्या है, सुंदरी ट्री, ठीक है, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, ठीक है, और उससे आपको जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टिम्बर मिलता है, ठीक है, जिससे कि आप घर में जो यूज होते हैं ना, आप फर्नीचर वगैरह बनाते हो उसके अंदर भी वो काफी यूज होता है। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, पाम मिलता है, कोकोनट मिलता है, केवड़ा मिलता है, अगर मिलता है, ये भी आपके कुछ डेल्टास के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपका, फिर आ जाता है आपका वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये कुछ मेडिसिनल प्लांट दे रखे हैं। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे आयुर्वेद के अंदर हजारों आपकी स्पीसीज के बारे में बता रखा है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जिनकी बड़ा ही हर्ब्स होती हैं, स्पाइसेस वगैरह होते हैं जिनका आपकी बॉडी के लिए मेडिसिनल बेनिफिट होता है बहुत सारा। और एक आपके वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट, जिसने जो है 352 मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटन्ड, जिनमें से उसने जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट ने 352 मेडिसिनल प्लांट्स की एक लिस्ट दी है जिसमें से 52 जो है वो आपकी क्रिटिकली थ्रेटन्ड है। क्रिटिकली थ्रेटन्ड मतलब आपका कि बहुत नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी वो स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसी स्पीड से जो है उनका जो क्या बोलते हैं ना उनका डिस्ट्रक्शन चलता रहा, उनको इसी तरीके से कट करते रहे, उनको प्रिजर्व नहीं किया गया, तो वो आपको आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल गायब हो जाएंगी और देखने को मिलेंगी ही नहीं। और 49 जो है वो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड का मतलब कि वो तो ऑलमोस्ट आपकी बस जाने वाली है, ठीक है, तो ये है आपका। और ये फिर आपके कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिनल प्लांट जो इंडिया में होते हैं वो बता रखे हैं, जिसमें सर्प गंधा है, जामुन है, अर्जुन है, अर्जुन जो होता है ना हार्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, अर्जुन इज बेस्ट फॉर हार्ट, ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट वगैरह, तो उनके पेशेंट को अर्जुन की छाल देते हैं, अर्जुन का काढ़ा देते हैं। ऐसे ही जामुन जो होता है वो आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है जामुन,
ठीक है। ऐसे ही आपका सरगंधा होता है ब्लड प्रेशर के लिए, बबूल होता है आपका आईसोर वगैरह के लिए, ठीक है, और एज ए टॉनिक भी यूज होता है। नीम होता है आपका एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, सबसे बेस्ट। इसी तरह आपका तुलसी जो आपका कफ कोल्ड सब क्योर कर देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। कांचनार अस्थमा और अल्सर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है कांचनार, तो इसकी टेबलेट आती है कांचनार बुबुल। जैसे पतंजलि जो है ना, इन सभी चीजों की टेबलेट्स बनाता है हर बीमारी के लिए। ये तो इन्होंने सिर्फ कुछ नाम दे रखे हैं, ऐसे हजारों मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं, और हमारे आयुर्वेद के अंदर इनको अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। हमने वेजिटेशन देख ली है पांचों तरह की। सो इंडिया के अंदर लगभग लगभग हमने देखा कि 45,000 आपकी क्या थी, प्लांट की स्पीसीज थी। हमारे यहाँ पर एनिमल्स की स्पीसीज लगभग 90,000 है, बहुत बड़ी स्पीसीज है। 90,000 स्पीसीज हमारे पास एनिमल्स की पाई जाती हैं। लगभग 2,000 स्पीसीज हमारे यहाँ पर बर्ड्स की पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड का 13% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टोटल बर्ड स्पीसीज का। इसके अलावा 2,546 टाइप्स की हमारी यहाँ पर फिश की स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड का लगभग लगभग कितना है, 12%, ठीक है। एंड इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5-8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस। एम्फीबियन रेप्टाइल और मैमल जो होते हैं ना, उसका भी हमारे कंट्री के अंदर लगभग 5-8% आपका स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स रेंगने वाले वो सब जो होते हैं ना, ठीक है, वो सब भी हमारे यहाँ पर अच्छे खासे पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आपका कहाँ पर मिलता है, ये अच्छा ये रह गया था, ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर आपका सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है। टाइगर आपके बहुत तरह के होते हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है, वो भी आपका कहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा वाले में। इसके अलावा जो है आपके टर्टल्स भी मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, क्रोकोडाइल भी मिलते हैं, और घड़ियाल भी मिलते हैं, और स्नेक्स भी मिलते हैं, ठीक है। पानी वाले स्नेक्स भी मिलते हैं और लैंड वाले स्नेक्स भी मिलते हैं, ठीक है। घड़ियाल क्या होता है, घड़ियाल आपकी क्रोकोडाइल की ही एक स्पीसीज है। जो क्रोकोडाइल होता है ना, लगभग लगभग कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा सा उसके शेप में उसका ज्यादा थोड़ा सा मुंह पतला होता है और लंबा होता है घड़ियाल का, ठीक है। सो बॉडी के जो फिजिकल फीचर होते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है घड़ियाल। और इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में जो है घड़ियाल एक स्पेशल एक है, घड़ियाल आता है इंडियन घड़ियाल, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है आपका, चंबल रिवर में। चंबल रिवर में आपको इंडियन घड़ियाल मिलता है, इसके अलावा ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, इस चंबल रिवर के अलावा सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है, ठीक है। और फिर हम वाइल्ड लाइफ देख रहे थे, तो एलिफेंट जो है वो आपका कहाँ पर मिलता है, एलिफेंट आपका मिलता है हॉट वेट फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर हॉट कंडीशंस है और जहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है वहाँ पर आपके एलिफेंट्स मिलते हैं, जिसमें आसाम है, कर्नाटका है और केरला है। वन हॉर्न राइनोसोरस मैंने आपको बता दिया कहाँ पर मिलेगा, वो आपको मिलते हैं स्वैम्पी और मार्सी लैंड के अंदर, जहाँ पे हमेशा दलदली सा बना रहता है, ठीक है। तराई रीजन जो था ना, हमने पढ़ा था ना भाबर तराई बांगड़ खादर, तो जो तराई रीजन होता है ना, तराई रीजन के अंदर आपके वन हॉर्न राइनोसोरस मिलते हैं, इसीलिए आपका कहाँ पर मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। इसको वैसा ही वेदर चाहिए, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, ठीक है, रेनफॉल चाहिए इसको, पानी चाहिए इसको। तो ये आपके स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम और वेस्ट बंगाल में रहता है वन हॉर्न राइनोसोरस। एलिफेंट रहता है असम कर्नाटक केरला में। एरिड एरिया जो है आपके रन ऑफ कच्छ के और थार डेजर्ट के, वहां पर क्या मिलते हैं आपका, वाइल्डेस एंड कैमल्स। वाइल्डेस क्या होता है आपका, गधा, ठीक है, गधा। तो गधा आपका कहां कहां पे मिलता है, राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, वहां पर। और कैमल्स भी आपके वहीं पर ही मिलते हैं। इसके अलावा क्या है आपका, इंडियन बाइसन, ठीक है। इंडियन बाइसन जो है नीलगाय यानी कि ब्लू बुल, चौसिंगा, ठीक है, फोर हॉर्न एंटीलोप, ऐसे एक बारह सिंगा भी होता है चौसिंगा, चो का मतलब चार, ठीक है, और बारह सिंगा का मतलब 12, ठीक है। तो इनके जो हॉर्न होते हैं ना सिंग, वो इसके अंदर तो क्या होते हैं, इसमें तो चार होते हैं, ठीक है, ऐसे एक दो, फिर इस एक में से जो है कैसे निकलता है, कुछ शेप बनती है इस तरीके से, दो दो ऐसे। ये तो हो गया आपका चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, एंटीलोप जो होते हैं ना वो हिरण की बात हो रही है, और ऐसे ही होता है एक आपका बारह सिंगा। सो बारह सिंगा के अंदर ऐसे ऐसे निकलेगा, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे और निकलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो उसके अंदर तो टोटल उसके हॉर्न बनते हैं ना वो 12 बनते हैं, बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है। इसके अलावा गेजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। 90,000 स्पीसीज है, तो यहाँ पे नाम कितने सही दे देंगे, ऑब्वियसली, तो समझ जाओ कि 90,000 स्पीसीज है। यहाँ पे कुछ मेजर आपके नाम दे रखे हैं जो कि सब लोग जानते हैं, देखते हैं,
ठीक है। इसके अलावा इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, डू यू नो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब आपके एनिमल्स के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपका फिर बना गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट बनाया था, एक आपका जो है टाइगर के लिए बनाया था, ऐसे एलिफेंट के लिए, मतलब अलग अलग बना रखे हैं। वाइल्ड लाइफ जो है वो इन जनरल है सभी के लिए, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए भी कुछ बनाए गए। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लोयन। इंडिया वर्ल्ड का अकेला कंट्री है जिसके अंदर टाइगर भी मिलते हैं और लोयन भी मिलते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी कंट्री में टाइगर और लोयन दोनों नहीं मिलते, या तो टाइगर मिलता है या लोयन मिलता है, इंडिया में आपके दोनों मिलते हैं, तो हम वेरी लकी हैं। हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है ना इंडियन लोयन का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आपका क्या है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। जो इंडियन लोयन है, ठीक है, इंडियन स्पीसीज जो है लोयन की, उसका नेचुरल हैबिटेट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, वो है आपका गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है। टाइगर्स हमारे कहाँ पे मिलते हैं, टाइगर्स बहुत सारी जगह मिलते हैं। अभी हमने देखा रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपके टाइगर मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा आपके टाइगर कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन के डेल्टा के अंदर, वेस्ट बंगाल में, हिमालयन रीजन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लेपर्ड्स भी बहुत मिलते हैं, लेपर्ड्स की भी स्नो लेपर्ड अलग होता है, ठीक है, एक ब्लैक लेपर्ड होता है, ऐसे ही हमारे एक पैंथर भी होते हैं, लेपर्ड जैसे ही पैंथर होते हैं, तो ये सब भी अपने इंडिया के अंदर मिलते रहते हैं इधर उधर। और गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लोइंस। आपका जो गिर फॉरेस्ट है ना, जो इंडियन लोइन जिसको बोल रहे हैं, उसी को एशियाटिक लोइन भी बोलते हैं। तो वो आपका लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपका गिर फॉरेस्ट, ठीक है, इंडियन लोइन का या एशियाटिक लोइन का, कुछ भी बोल लो इसको, एक ही बात है, ठीक है। ये वाला, ये भाई साहब जो बैठे हैं, दो हिमालय जो है उसके अंदर भाई आपके, उसके अंदर भी आपकी काफी एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख जो है, जहां पर आपका हाई एल्टीट्यूड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, वहां पर आपका क्या मिलता है, याक मिलता है, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स मिलता है, वेइंग अराउंड 1 टन, जिसका वेट लगभग लगभग 1 टन होता है। 1 टन का मतलब 1000 kg के आसपास, ठीक है। सो शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन ये मिलता है। तिब्बतन एंटीलोप मिलता है, भरल मिलता है यानी कि ब्लू शिप, वाइल्ड शिप मिलता है, कियांग मिलता है जो कि तिब्बतन गधा होता है, ठीक है। सो तिब्बत वाला जो गधा है उसको कियांग बोलते हैं, वो भी वहीं पे मिलता है। इसके अलावा आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख वाले रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, रिवर्स, लेक, कोस्टल एरियाज के अंदर टर्टल मिलते हैं, क्रोकोडाइल मिलते हैं और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपके यहाँ पर कौन सी होती है स्पीसीज, पिकोक होते हैं, फीजेंट्स होते हैं, डक होते हैं, पैराकिट होते हैं, क्रेन होते हैं, पीजन होते हैं, ये तो आपको पता ही है। बर्ड्स की स्पीसीज हमारे यहाँ पे बहुत मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि रणथंबोर में आते हैं, रण ऑफ कच्छ में आते हैं, आपके अलग अलग जो वेटलैंड है वहां पर आते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, कोई रशिया से आ रहा है, कोई आपका मंगोलिया से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई कजाकिस्तान से, कोई उज़्बेकिस्तान से, कोई आपका इधर से वियतनाम साइड से आ रहा है, कोई थाईलैंड से आ रहा है। इस तरह आपके चारों तरफ से इंडिया में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा तो आते हैं आपके सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, सेंट्रल, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं आपके माइग्रेटरी बर्ड्स। और इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ ऐसा खास है नहीं। ये आपके कुछ वो दे रखे हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व दे रखे हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो है, ट्रायंगल की जो शेप है ब्लू कलर वाली, ये आपके क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क, रेड वाले जो है वो आपके क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और स्टार वाले क्या है, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये आप देख लो, वाइल्ड लाइफ का मतलब जिसमें सभी तरह के एनिमल्स वगैरह और सबके लिए बनाए जाते हैं, बर्ड सेंचुरी जो कि बर्ड्स के लिए होती है स्पेसिफिकली, हालांकि उसके अंदर एनिमल्स भी होते हैं लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है। और नेशनल पार्क के अंदर जो है आपके फॉरेस्ट या जो आपकी वेजिटेशन स्पीसीज है ना, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है,
ठीक है। और वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या होता है कि जो आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपकी वेजिटेशन ऑटोमेटिकली वैसे ही प्रोटेक्ट हो गई। ऐसे नेशनल पार्क के अंदर आप वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपकी वाइल्ड लाइफ वैसे प्रोटेक्ट हो गई। तो ये सारी चीजें ओवरलैपिंग है, बस इनके नाम और साइज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि फोकस किस चीज पे किया जा रहा है। तो ये देखो कश्मीर में आपका दाचीगाम क्या है, आपका वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके कहाँ पे हैं, उत्तराखंड के अंदर हैं। दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। सो राजाजी, कॉर्बेट, उत्तराखंड, दाचीगाम, कश्मीर, दुधवा, यूपी, ठीक है। ये केवला देव घाना और रणथंबोर आपका राजस्थान, शिवपुरी आपका एमपी, राजगीर आपका झारखंड, राजगीर झारखंड या बिहार, बिहार झारखंड बिहार में आई थी ये, ठीक है। राजगीर, काना और ताडोबा ये भी आपके किस में आते हैं, एमपी वगैरह में आते हैं। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर, मानस आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोरुमुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क बोलते हैं लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। ट्रायंगल वाला क्या है, ट्रायंगल वाला नेशनल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क चल रहा है ये। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये आपके गोरुमुरा, ऐसे ये केवला देव घाना और रणथंबोर, इनके अंदर आपके यहाँ पे आपका टाइगर मिलता है। केवला देव घाना में आपके बर्ड्स मिलते हैं, एक वो आती है ना जो रशिया यूरेशिया से रशियन रीजन से कौन सी आती है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, जिसकी वो बहुत लंबी चोंच होती है, वो आपका केवला देव घाना के अंदर मिलती है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है विंटर सीजन के अंदर। तो ये आपके क्या है, नेशनल पार्क है। इसके अलावा देखो गिर फॉरेस्ट का गिर नेशनल पार्क, ये संजय गांधी, ये आपका मुंबई के आसपास है, ठीक है। साउथ इंडिया में कौन सा है, एक बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये काफी फेमस है, जिसमें एलिफेंट वगैरह मिलते हैं बांदीपुर वाले में। एक गोइंडी है, ठीक है, बांदीपुर का तो कुछ है और ऐसा भी है कि ये पता नहीं सबसे बड़ा नेशनल पार्क आई थिंक एलिफेंट्स के लिए, यहाँ बांदीपुर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं आई थिंक, कुछ ऐसा है, कुछ तो है इससे रिलेटेड कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट शायद बांदीपुर नेशनल पार्क के अंदर है, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर आपके क्या है, बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ये है, रंगानेथू, एक वेदांतांगल है, पेरियर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुद्दूमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एतुरंगम है, ओचरम है, कावल है, एक यहाँ पे चंडा का दंपारा, ये आपकी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा महान महानाडी, महानाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, घर के पास मतलब अलवर में, ठीक है। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और हमारी जो लैंड है उसकी बाउंड्री एक ही है, ठीक है, ये आपका सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये इसके साथ लगती हुई हमारी लैंड, तो ये इसकी बाउंड्री एक ही है, ठीक है, ये हमारे वहीं पर ये सरिस्का, इसको सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व भी बोलते हैं, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, कि कई नाम होते हैं, ये ओवरलैप करते रहते हैं, इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, बस एक ही होकर के, बट इनका ओवरलैपिंग चलती रहती है, ये इनके आपके बेसिक बेसिक हैं। तो ये आप मैप वगैरह में देख लेना। इंडिया के अंदर जो है 1300 प्लांट स्पीसीज जो है वो लगभग आपकी एंडेंजर्ड हैं और 20 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, हालांकि डेटा बिल्कुल गलत है, एक्सटिंक्ट जो हो चुकी हैं वो 1000 से भी ऊपर है, ठीक है, ये पता नहीं कैसे डेटा देते हैं कभी कभी। और इंडिया में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो अलग अलग इनिशिएटिव लेती है, उसके अंदर क्या है कि हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। मे बी इनका नंबर चेंज हो गया हो तो एक बार चेक कर लेना, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर आ जाएगा विद नेम की कहाँ कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, बट इसमें एनसीईआरटी में 18 दे रखे हैं और वो कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 12 जो है आपके सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी आपका कहाँ है, एमपी के अंदर, अचानकमार, अमरकंटक, ये भी एमपी में है, अगस्था मलाई, कांगचेन, जोंगा एंड पन्ना भी आपका कहाँ है, एमपी में, हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे 18 इंडिया के अंदर, जिनका शायद नंबर बढ़ गया होगा अभी, गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है, उसमें से 12 जो है ना वो आपके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ, यानी कि जो आपका वो डिक्लेयर करता है ना, एक उसकी यूएन की बॉडी है ना, कौन सी है, यूनेस्को करके या किस चीज में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उसके अंदर आता है उन बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे 12 में, नाम स्लिप हो रहा है माइंड से अभी, ठीक है।
हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे हैं, तो इसको आप लिस्ट को चेक कर ही लेना कि अपडेट हुए या नहीं है। सबसे ज्यादा नेशनल फॉरेस्ट और बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह अपने कहाँ पर है अपने कंट्री में, एमपी के अंदर सबसे ज्यादा। एक कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है, लास्ट ईयर सुना होगा न्यूज में खूब। इस कूनो नेशनल पार्क को क्यों फेमस था लास्ट ईयर पूरे साल, क्योंकि हम इसके अंदर नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में, वहां से हम जो है 6 वो लेकर आए थे, क्या, अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता लेके आए थे हम इसके अंदर 6, ठीक है, जो कि अभी कहाँ रखे गए हैं, कूनो नेशनल पार्क के अंदर जो एमपी में है। तो इसलिए ये पूरे साल लास्ट ईयर उसमें था। और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है 1992 से इंडिया के अंदर। बोटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं उनको। इसके अलावा हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है टाइगर्स को सेव करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लगभग 1411 हमारे यहाँ पर 2006 के आसपास जो है आपके वो, हाँ चीता ही बता रहा हूँ मैं, अफ्रीकन चीता, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका चलाया गया था 2006 में, मुझे याद है 1411 आपके वो बचे थे, क्या आपके टाइगर्स इंडिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिकली आफ्टर 2014 ना काफ़ी एफर्ट्स इसके ऊपर किए गए, और अभी शायद लास्ट ईयर का डेटा मैं देख रहा था, लास्ट ईयर जो है आपके ये 1411 से इनका नंबर इंक्रीज हो गए, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए, करंट में इनकी पॉपुलेशन लगभग 3200 से भी आगे हो गई है, प्लस 3200 प्लस। तो प्रोजेक्ट टाइगर अपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, स्पेसिफिकली इन लास्ट 10 ईयर्स, उससे पहले इतने एफर्ट्स नहीं किए जा रहे थे। ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो चलाया जा रहा है राइनो को बचाने के लिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है, ताकि आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज को फोकस करके कि उसके किसी तरह कंजर्व किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको सेफ्टी दी जाए, ठीक है, और उनके नंबर्स को इंक्रीज किया जाए। तो इसको लेके ऐसे ही हमारे देश में 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। तो अगेन जैसे आपको बायोस्फीयर रिजर्व का डेटा चेक करना है 18 वाला, ऐसे ही नेशनल पार्क्स का डेटा भी चेक कर लेना, ये भी अब चेंज हो गया होगा, 103 से ज़्यादा है फिलहाल। बायोस्फीयर रिजर्व का भी नंबर इंक्रीज हो गया होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी चेक कर लेना, 563 से ज़्यादा हो गई होंगी। ऐसे ही जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही बोटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही आपके बर्ड सेंचुरी बनाई जाती हैं, ऐसे ही आपके नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सब चेक कर लेना इनके नंबर क्या क्या हैं, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स की फोटो दे रखी है, जो कि हमारे वेटलैंड्स के अंदर आते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, बहुत फेवरेबल इनकी कंडीशन क्या है, फेवरेबल प्लेस इनका फेवरेट प्लेस रण ऑफ कच्छ है, जहाँ पर ये आते हैं। इसके अलावा रणथंबोर में आते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेंगे ये। इसमें इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी स्पीसीज वगैरह, कौन से स्पीसीज, कौन से फॉरेस्ट, कौन से उसमें वेजिटेशन स्पीसीज मिलती हैं, कौन सी उसके अंदर आपकी एनिमल स्पीसीज मिलती हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कौन से रीजन में वो फॉरेस्ट हैं, कौन से स्टेट्स के अंदर वो फॉरेस्ट हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इनको चेक कर लेना अपने एंड पर एक बार कि इनका नंबर क्या है इन सभी का, ठीक है, आ जाएगा आपके पास। अब किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लो, वरना क्लास को एंड करते हैं। अंकिता बड़े दिनों में आए क्लास अटेंड करने,
चलो ठीक है, फिर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ओके अंकिता। देख लेना सारी क्लासेस को, काफी क्लासेस हो गई हैं, फिर ये रह जाएंगी, देख नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, चलो बाय।